नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एक केस पर चर्चा करेंगे। एक लेडीज का केस था, उसी पर चर्चा करेंगे। तो एक लेडीज थी, तो वो कहीं मोटरसाइकिल से जा रही थी, पीछे बैठे हुई थी। तो मोटरसाइकिल से गिर गई। कैसे कि माने जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, उसी पर क्रॉस करते समय उसको गिर गई। गिर जाने से चोट लगा। चोट लगने के बाद एलोपैथिक दवाई ववाई खाई तो थोड़ा कम हो गया था। तो आने के बाद बोलती है कि दर्द तो कम हो गया है, लेकिन है दर्द कम है, लेकिन है अभी गया नहीं है। बोली बोली कि ऐसा नहीं है कि दर्द के कारण से चल फिर नहीं पा रही हूँ, खा पी नहीं पा रही हूँ, या बोलने उलने में कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लग रहा है कि ठीक होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। मीठे मीठे मैंने थोड़ा थोड़ा करके दर्द बना हुआ है, दर्द के कारण टेंशन बना हुआ है कि ठीक होगा कि ऐसे ही रह जाएगा। भाई एलोपैथिक दवा हुआ देते थे, तो बोले कि भाई दवा दिए थे तो खा ली। तो और भाई भी बोले कि देखो होम्योपैथिक खाकर देख लो, और जब कम नहीं होगा 10-15 दिन देखो खाके, कम जब नहीं होगा तो दवाई दूसरा खा लेना, एलोपैथिक डॉक्टर से जांच उच करवा लेना। बोली कि चोट लगने के बाद से बैठी नहीं हूं, कुछ न कुछ करिए रही हूं, कुछ न कुछ दवा खा ही रही हूं। ए बोली कुछ बैठी हुई नहीं हूं, चुपचाप हल्दी चूना लगाई और कुछ न कुछ की इसको दर्द के मिटाने के लिए, लेकिन दर्द माने कम तो गया है लेकिन बना हुआ ही है, जा नहीं रहा है। तो इतना ही छोटा सा केस था। तो इसी के आधार पर हमने रूब्रिक लिया, डाउटफुल माइंड, डाउटफुल रिकवरी। और उसको संदेह था कि रोग ठीक होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही रह जाएगा, और लाइट डिजायर फॉर, दर्द के कारण उसको टेंशन बना हुआ था, टेंशन दूर करना चाहती थी। और डेल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिलीजन वेल थॉप, इसलिए कि बोली कि दर्द के कारण ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठ गए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कष्ट हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो इसके आधार पर हमने लिया था। और एक रूब्रिक और लिया था, माइंड डिलूजन बिजनेस डूइंग। वो बोली ना कि चोट के बाद से बैठी हुई नहीं हूं, कुछ न कुछ दवा और या और कुछ इसके लिए कर ही रही हूँ, ऐसे जैसे हल्दी चूना लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ, वो लगा रही हूँ, कर ही रही हूँ, बैठी हुई नहीं हूँ चुपचाप। तो इसी के आधार पर हमने लिए था, डेलूजन माइंड, डेलूजन बिजनेस डूइंग, ये करके ये रूब्रिक लिए थे। और इन सब में जो कॉमन दवा है सो उसको फास्फोरस 30 उसको रात में 7 बजे के आसपास दिया गया। और दूसरा दिन उसको से जब पूछा गया तो बोला कि हाँ 50% कम है। और हमने पूछा कि दर्द के कारण जो तुम्हारा टेंशन बना हुआ था वो कैसा है, वो कैसा है? बोले कि वो तो रातें में टेंशन खत्म हो गया था, अब लग रहा है कि अब ठीक हो जाएगा। और उसको 50% कम गया था, और कुछ दिन के बाद में उसका दर्द ठीक हो गया मोटा मोटी। तो आज का यही केस था। अब देखिए यहाँ पर वो पेशेंट को क्या था, डाउट वो था कि हमको ठीक होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, इसको लेकर के उसके दिमाग में टेंशन चल रहा था। तो ये हुआ डाउट, डाउटफुल रिकवरी ऑफ हो गया। अच्छा डिल्यूजन वेल्थ ऑफ हो गया। उसको का बोली, बिना पूछे बोली थी, उसको से कोई सवाल नहीं किया गया था, आपने बोली कि ऐसा नहीं है कि दर्द के कारण
चल फिर नहीं पा रही हूँ या कष्ट हो रहा है, बोलने में कष्ट हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो इसी के आधार पर उसको लिया गया था कि मैंने उसको पास डिलीजन वेल्थ ऑफ लिए थे और टेंशन बना हुआ था, टेंशन में रह रही थी, ठीक कराना चाहती थी। तो वो जैसे कि आधार पर लाइफ डिजायर फॉर लिया। अब बिजनेस डूइंग माने कुछ करियर हैं, चोट लगने के बाद से हम बैठे हुए नहीं हैं, कुछ न कुछ इसको दूर करने के लिए लगे हुए हैं। तो यही हुआ माइंड डिल्यूजन बिजनेस डूइंग करके, और इसमें फास्फोरस ही एक मात्र कॉमन दवा आया और उसको फास्फोरस देने से ही रिलीफ मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा केस था। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।